नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के बारे में। इसमें जो ब्रेकआउट लेने जा रहा था, ब्रेकआउट की जगह पे अभी रिजेक्शन का सामना देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए कंटिन्यू एक सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। और अभी जो है ना, आज सुबह में 1% का अपसाइड रहा मार्केट, और अभी क्लोजिंग कितना हुआ था, 2% का। तो टोटल कैलकुलेट करता तो 3% तक का आज का गिरावट देखने को मिल रहा है। तो इसमें सेलिंग अब चालू हो चुकी है। बाकी स्टॉक्स में जैसे इंडेक्स में सेलिंग चल रही है, सेम चीज़ अब स्टॉक्स में भी देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया कितने तक का हो सकता है, तो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया 216 रुपए तक का। आपको पुराने वीडियो में भी बताया था कि देखिए अभी करेक्शन कभी भी आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन आपको एक देखना पड़ेगा जहां से 1 से 2 कैंडल झुकाव बनाता है। जैसे यहाँ पे 30% का रिटर्न हो गया था, रिटर्न दिया था, और यहाँ पे जब आपको ना 2 कैंडल दिख गया था, एक कैंडल के नीचे दूसरा कैंडल, तभी वीडियो में हमने बताया था कि यहाँ पे देखिएगा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकती है, प्रॉफिट बुकिंग का टाइम भी हो रहा है। और दूसरा चीज है इलेक्शन को लेकर, अभी 1 महीना ही बचा हुआ, तभी 1 महीने का कम दिन बचा है। तो इसमें क्या है ना कि अभी एक तरह से 3 दिन से लगातार कंटिन्यू निफ्टी में और इंडेक्स में दबाव देखने को मिल रहा है। तो अगर ये ब्रेक डाउन कल के दिन में होता, जैसे अभी तो ब्रेक डाउन तो हो ही गया है, मगर ना कल के नीचे अगर थोड़ा सा भी एक कैंडल क्लोजिंग करता है, तो फिर आपको 216 रुपये तक का डाउनसाइड पहला हमारा टारगेट रहेगा नीचे की तरफ में। दूसरा टारगेट ना इस कैंडल के हाई तक का देखने को मिल सकती है, वो है 203 रुपये तक का देखने को मिल सकती है। लॉन्ग टाइम फ्रेम में ना बहुत अच्छा इसने रिटर्न दे चुका है, तो अभी जो है ना करेक्शन हो रही है, तो एक ठीक ठाक करेक्शन हमको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर देखिए 70% का रिटर्न हो चुका है। तो भाई सर, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, चैनल पर भी बढ़ा तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।